हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारी क्लास 8 का हिस्ट्री में चैप्टर 4, जो कि हमारा ट्राइबल्स, द कोस्ट एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। इससे पहले हमने चैप्टर 3 में देख लिया था रूलिंग द कंट्री साइड, जो ब्रिटिश पीपल थे वो किस तरह से एक छोटे एरिया में बिजनेस करने के लिए आए, और फिर धीरे धीरे उन्होंने किस तरह से अपना पूरा एरिया डेवलप कर लिया, और फिर यहाँ पर इंडिगो प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर देखी थी। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जो ट्राइबल्स पीपल थे वो कौन थे, दिक्कुस क्या थे, और या फिर गोल्डन एज कब हुई, या विजन ऑफ गोल्डन एज क्या था। तो हमने इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, इन मिड 1870 बिरसा वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास, अ ट्राइबल ग्रुप डेट लिव इन छोटा नागपुर। अब क्या हुआ कि अभी हमने देख लिया कि जो पुराने जो पीपल थे वो किस तरह से थे। तो 1870 ईस्वी में जो बिरसा का जन्म हुआ एक मुंडा फैमिली में, जो कि एक ट्राइबल पीपल थे। ट्राइबल पीपल वो होते थे जो जंगलों में रहते थे। तो बिरसा का जन्म हुआ 1870 ईस्वी में एक मुंडा फैमिली में, कहाँ पर है, जो कि छोटा नागपुर में। सेकेंड है हमारा, द ट्राइब्स हैड कस्टम एंड रिचुअल डेट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोस लेड डाउन बाय ब्रह्मास। अब जो ट्राइबल पीपल होते थे उनका जो रिचुअल्स या उनका जो रिलीजन होता था वो काफ़ी अलग हुआ करता था किस लोगों से, जो ब्राह्मण जो एक सेटल्ड लाइफ में रहते थे। आगे हमारा थर्ड पॉइंट है, हाउ डिड ट्राइबल पीपल लिव, ट्राइबल पीपल जो थे किस तरह से रहते थे। तो देख लेते हैं, बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वेर इन्वॉल्व इन अ वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज। जो ट्राइबल पीपल थे 19th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में वो रहते थे, और उनका जो वेरिएशन है या उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो भी अलग अलग हुआ करती थी। अब हम बात कर लेते हैं समवेयर झूम्स कल्टिवेटर। जो ट्राइबल्स थे, जो ट्राइबल पीपल थे, वो उनमें से कुछ जो थे वो झूम कल्टिवेटर्स थे, कुछ जो थे हंटर गैदरर्स थे। तो देखेंगे हम झूम कल्टिवेटर क्या होता है। तो इसका पहला पॉइंट है, झूम कल्टिवेटर या झूम कल्टिवेशन दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। तो झूम कल्टीवेशन क्या है, झूम कल्टीवेशन एक कल्टीवेशन की प्रोसेस है जिसमें क्या होता था, जो पीपल होते थे या ग्रुप होता था वो एक स्मॉल एरिया में कल्टीवेशन करते थे, और जो ज़्यादातर उनका जो एरिया होता था वो फॉरेस्ट के अंदर होता था। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द कल्टीवेटर कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। जो पीपल होते थे झूम कल्टीवेटर्स के, वो क्या करते थे, जो पेड़ होते थे उनको कट कर देते थे ताकि जो सनलाइट है वो ग्राउंड पर आ सके, और वो उसको बर्न भी कर देते थे जिससे उनका जो एरिया है वो साफ हो सके और उस पर कल्टीवेशन कर सके। थर्ड है हमारा, वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्ट दे मूव टू अनदर फील्ड एंड लेफ्ट द फील्ड फॉलो फॉर सेवरल ईयर। जब एक बार वो उस एरिया पर कल्टीवेशन कर लेते थे तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, और कुछ समय के बाद वो वहाँ पर आते थे, क्योंकि वहाँ पर वो बंद कर जाते थे उस एरिया को, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए तो कल्टीवेशन हो नहीं पाता था, इसलिए वो दूसरी जगह पर मूव कर जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, देखते हैं उसमें क्या है, सम वेयर हंटर्स एंड गैदरर्स। अब कुछ जो ट्राइबल पीपल थे उनमें से कुछ हंटर और गैदरर्स भी हुआ करते थे। हमने इसको क्लास 6 की हिस्ट्री जो है उसमें देखा था भी हंटर और गैदरर्स क्या होते थे। तो अब इसमें हम देखते हैं हमारा पहला पॉइंट, इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप लिव्स बाय हंटिंग एनिमल एंड गैदरिंग फॉरेस्ट। जो ज़्यादातर एरिया है वहाँ पर, या कुछ एरियाज में जो पीपल होते थे वो अपनी जो लाइफ है वो हंटिंग और गैदरिंग पे ही डिपेंड करते थे, एनिमल को हंट करते थे और नेचुरल वेजिटेशन को वो गैदर करके अपना लाइफ व्यतीत करते थे। सेकेंड है हमारा, इन कॉन्स वेयर हंटर एंड गैदरर्स लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। जो कौनस एरिया है वहाँ पर जो हंटर और गैदरर्स है वो फॉरेस्ट, जो उड़ीसा के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर रहते थे, और वहीं के जो नेचुरल वेजिटेशन जो एनिमल है उनको वो हंट किया करते थे। थर्ड है हमारा, दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। अब कुछ एरियाज के जो पीपल थे वो इन फॉरेस्ट को मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते थे, और इन सारी मेडिसिन को वो लोकल मार्केट जो हुआ करता था वहाँ पर ले जाकर बेचते थे भी, सोल्ड करते थे। फोर्थ है हमारा, बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर।
बेगास ऐसे पीपल हुआ करते थे जो दूसरों के लिए काम करते थे और अपनी कुछ इनकम रखते थे वो। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ट्राइबल ग्रुप ऑफन नीडेड टू बो एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड डेट वे नॉट प्रोड्यूस विथ इन द लोकेलिटी। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। और कुछ ट्राइबल ग्रुप ऐसे भी हुआ करते थे जो गुड्स को सेल और बॉय करने का काम करते थे, उनकी एक कुछ तरह का वो प्रोडक्शन नहीं करते थे, इसलिए वो ट्रेडर या फिर मनी लेंडर पे ही डिपेंड हुआ करते थे। यानी कि आज के समय में हम बोले तो जो ब्राह्मण्स होते हैं उस तरह का वो काम करते थे, भिक्षा लेकर काम करते थे। आगे हम बात कर लेते सम हार्टेड एनिमल। अब जो कुछ ट्राइबल पीपल का ग्रुप था वो हार्ट करते थे एनिमल को रखते थे वो, तो देख लेते हैं उनके बारे में। पहला पॉइंट है हमारा, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो एनिमल्स को रखते थे, एनिमल की देखभाल करते थे और जो जंगल के जो चीज़ें होती हैं उनको गैदर करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। सेकेंड पॉइंट है इसी में हमारा, दे वेयर पेस्टोलिस्ट हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। और उन्हीं के जो पीपल हुआ करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, क्योंकि जैसे ही सीजन या वेदर चेंज होता था तो वो अपने कैटल के साथ एक जगह से दूसरी जगह चला जाया करते थे। थर्ड है हमारा, द वन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड लवाडीस ऑफ आंध्र प्रदेश वे कैटल हार्डेस्ट, द गाडीज ऑफ कुल्लू वे सेफर्ड एंड द बरवालास ऑफ कश्मीर रियर गोट। अब उसमें जो पीपल थे उसमें हम देख लेते जो गुजर्स थे पंजाब के वो हिल्स पर, और लवाडीस में जो आंध्र प्रदेश में लवाडीस है वो कैटल को रखते थे अपने पास, और जबकि जो बकवर्स के कश्मीर के वो अपने पास गोट को रखा करते थे। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ और ट्राइबल पीपल के बारे में। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। कुछ जो ट्राइबल पीपल थे वो सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे, तो ये जो पीपल थे एक जगह से दूसरी जगह मूव ज़्यादा नहीं करते थे, बस वो क्या करते थे जो माउंटेन हुआ करता था उस पे हाई पिक टू लो पिक पे मूव करते थे सिर्फ, तो कि जो बर्फ़ होगी वो मेल्ट होगी तो वो उनको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए बस वो इसी तरह के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और अपने पास ज़्यादातर वो गोट को रखते थे। वो एक पर्टिकुलर लैंड हुआ करता था उसी पे अपनी एग्रीकल्चर करते थे। सेकंड है इसी में हमारा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स आर सेटल ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंड संथालास एज मोर सिविलाइज देन हंटर गैदर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। जो ब्रिटिश पीपल है उन्होंने ज़्यादातर देखा कि जो गोंड है वो जो संथाल्स है वो एक सेटल लाइफ में रहते हैं, वो हंटर और गैदर या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेटर की तरह काम नहीं करते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल पीपल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई तो ये जो हमारे ट्राइबल पीपल थे इनकी लाइफ किस तरह से अफेक्ट हुई, तो देख लेते हैं हम। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इनकी जो लाइफ थी पूरी तरीके से चेंज हो गई। क्यों हो गई तो देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट है हमारा, बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ट्राइबल चीफ इंजॉय इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर नहीं आई तो जो हमारे ट्राइबल पीपल थे उनके पास अपनी इकोनॉमिक पावर थी, वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उनके पास राइट था, वो अपनी टेरिटरी पे कंट्रोल कर सकते थे और जहाँ चाहते थे वहाँ पर वो मूव कर जाते थे। लेकिन जब यहाँ पर ब्रिटिश पीपल आए तो क्या हुआ देखते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट में, अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज एज दे वेर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल बट वेर फोर्स टू फॉलो लॉ मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया। जब यहाँ पर आ गए वो लोग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर जब डेवलप्ड हो गई तो उन्होंने क्या करा, इन ट्राइबल पीपल का लैंड तो फिक्स कर दिया लेकिन इनके लिए कुछ रूल्स बना दिए जिसको फॉलो करना इन पीपल के लिए काफ़ी मुश्किल होता था, और यही एक रीज़न था कि इनकी जो लाइफ थी काफ़ी अफेक्ट हो गई। अब देखते हैं हम उसके आगे, वाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के साथ क्या हुआ। नंबर वन, द ब्रिटिश वेयर अनकम्फर्टेबल विद द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। जो ब्रिटिश पीपल थे वो शिफ्टिंग कल्टिवेटर से खुश नहीं थे, वो उसके साथ अनकंफर्ट फील करते थे। सेकेंड है हमारा, द ब्रिटिश वांट टू रेगुलर रिवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट एंड इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट। जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि उनको रेगुलर रिवेन्यू मिले ताकि उनका जो स्टेट है या टेरिटरी है काफ़ी डेवलप्ड और सेटल्ड हो सके। थर्ड है हमारा,
द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने ये भी बोला कि जो झूम कल्टीवेटर थे वो भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, वो भी एक अच्छा कल्टीवेशन नहीं है। फोर्थ है हमारा, आफ्टर फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द ब्रिटिश हैड टू अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब ये सारी जो प्रॉब्लम होने लगी तो ब्रिटिश ने कुछ राइट जो रूल्स थे वो बना दिए, जो पीपल है ट्राइबल पीपल शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हो या झूम कल्टीवेशन के हो सभी को वो फॉलो करना पड़ेगा। और जो फॉरेस्ट है वो भी ब्रिटिश कंपनी ने डिवाइड कर दिया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। अब बात कर लेते हैं जो फॉरेस्ट डिवाइड करा तो किस तरीके से, जो फॉरेस्ट लॉ बनाया तो क्या था वो फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। अब फॉरेस्ट लॉ था तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। नंबर वन, द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। हम इस चैप्टर में देख कर ही आ रहे शुरू से कि जो ट्राइबल पीपल है उनकी जो लाइफ है डायरेक्टली कनेक्ट किसके साथ है, फॉरेस्ट के साथ है। तो वैसा जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉरेस्ट लॉ बना दिया तो उनको क्या इम्पैक्ट देखने को मिला हो, तो देखते हैं सेकेंड पॉइंट में। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर देम एज स्टेट प्रॉपर्टी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने पूरे फॉरेस्ट को अपना कंट्रोल में ले लिया और कहा कि ये उनके स्टेट की प्रॉपर्टी है। थर्ड है हमारा, रिजर्व फॉरेस्ट वेयर फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर विच द ब्रिटिश वांट। और कुछ जो रिजर्व फॉरेस्ट था उसमें जो ब्रिटिश पीपल थे वो टिम्बर को प्रोड्यूस करते थे जिसको उनकी ज़रूरत थी। फोर्थ है हमारा, इन रिजर्व फॉरेस्ट पीपल वेर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली और प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन। जो रिजर्व फॉरेस्ट हुआ करता था उसमें पीपल फ्रीली मूव नहीं कर पाते थे और ना ही वो झूम कल्टिवेशन कर सकते थे। फिफ्थ है हमारा, मैनी ट्राइबल ग्रुप रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ एंड रोज इन एन ओपन रिवेलियन। अब ये सारी चीज़ें हुई तो बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे ये साथ एक साथ होकर जो कॉलोनियल रूल है उसके अगेंस्ट हो गए और उन्होंने सबने एक साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मूवमेंट शुरू कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो यहाँ पर ट्रेड में जो प्रॉब्लम हुई वो क्या हुई तो देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें हमारा, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप फाउंड द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वेयर कमिंग इन टू फॉरेस्ट एंड ऑफरिंग कैश लोन्स टू द ट्राइबल पीपल एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो ट्राइबल ग्रुप्स है या ट्रेडर्स है या फिर मनी लेंडर्स जो थे वो फॉरेस्ट में आते तो थे लेकिन ब्रिटिश पीपल थे वो उनको बेजेस के हिसाब से काम करवाते थे, मतलब उनको बेजेस फिक्स कर दिए थे उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना रहता था और जो ब्रिटिश पीपल थे उनको बेजेस बहुत कम पे करते थे। सेकंड है हमारा, इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोप मार्केट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब इंडिया के जो सिल्क का प्रोडक्शन था उसकी काफ़ी डिमांड थी यूरोप के अंदर 18th सेंचुरी में। अब ये ट्राइबल पीपल को उन्होंने बाहर कर दिया तो जो सिल्क प्रोडक्शन था वो भी डिक्रीज हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा, द संथाल्स ऑफ हजारीबाग रियल्ड कोकोन द ट्रेडर स्पेंड देयर एजेंट हु गेव लोन टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्ट द कोकोन। अब जो संथाल पीपल थे हजारीबाग के वो कोकोन को प्रोड्यूस करते थे और कोकोन की भी काफ़ी डिमांड थी तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पीपल है उनको लोन दे दिया करते थे और वो इसी तरह उससे कोकोन कलेक्ट करते थे। फोर्थ है हमारा, द कोकोनट वेयर एक्सपेक्ट टू बर्ड वन और गया वेयर दे वेयर सोल्ड एट 5 टाइम्स द प्राइस। और जो कोकोनट हुआ करता था बर्दवान और गया से एक्सपोर्ट किया जाता था और उसी को वो यहाँ पर जितने प्राइस में खरीदते थे वहाँ पर उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाकर उसके 5 गुना प्राइस पर बेचती थी। अब आगे हम बात कर लेते हैं द सर्च फॉर बर्क की। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल हु हैड टू गो फॉर अवे फ्रॉम देयर होम इन सर्च ऑफ वर्क वॉज इवन बोर्स। अब जो ट्राइबल पीपल हुआ करते थे जब इनका फॉरेस्ट छीन लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, रिजर्व फॉरेस्ट बना लिया, तो इनके पास कुछ वर्क नहीं हुआ करता था तो ये अपने घर से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे काम को सर्च करने में और अपना टाइम वेस्ट करते थे, उनको किसी अच्छा तरीके का काम नहीं मिलता था। सेकेंड है हमारा, द ट्राइबल वेयर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क फॉर टी प्लांटेशन एंड कोल माइन थ्रू कॉन्ट्रैक्टर लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। अब जो ट्राइबल पीपल हुआ करते थे वो काम तो करते थे, या तो वो प्लांटेशन का काम करते थे
या कोल माइंस का जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम करते थे उनको जो वेजेस मिलता था बहुत काफ़ी कम मिलता था, लेकिन अपने घर को बचाने के लिए उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। अब हम इसका क्लोजर लुक देख लेते हैं। तो देखते हैं, द ट्राइबल ग्रुप रिवेल्ट इन डिफरेंट ऑफ द कंट्री अगेंस्ट द चेंज इन लॉ रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेस द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे एंड एक्सप्लोइटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। अब जो ट्राइबल पीपल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी दुखी थे, तो उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ बना दिए थे, जो रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट निकाला, ये उसको रिबेल करा। इन सारे लोगों ने मिलकर एक मूवमेंट निकाला। अब उनका जो हेड हुआ करता था वो हुआ करता था बिरसा मुंडा। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, अ मूवमेंट बिगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा। अब ये सारे जो ट्राइबल पीपल हैं इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट मूवमेंट निकाला और इनका जो लीडरशिप थी वो थी बिरसा मुंडा। सेकेंड है हमारा, द ब्रिटिश ऑफिशियल वेयर वॉरिड एज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट वाज टू ड्राइव आउट मिशनरीज मनी लेंडर्स हिंदू लैंडलॉर्ड एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप ऑफ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। अब ब्रिटिश के अगेंस्ट इन्होंने एक बिरसा मुंडा मूवमेंट निकाला जिसमें जो इंडिया के हिंदू पीपल्स थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लेंडर्स थे, मिशनरीज थे, ये और जो गवर्नमेंट के भी जो पीपल थे ये सब साथ आए और उनका जो मेन एम था वो था मुंडा राज, मतलब कि वो किसकी तरह काम करेंगे, तो वो बिरसा मुंडा के जो थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और इसीलिए उन्होंने उनका जो हेड था वो बनाया बिरसा को। अब आगे हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, इन 1895 बिरसा मुंडा वाज अरेस्टेड। 1895 ईस्वी में उन्होंने बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ही वॉज रिलीज इन 1897 एंड ही स्टर्ड द ब्लेज टू गैदर सपोर्ट। ही अर्ज पीपल टू डिस्ट्रॉय रावण द कुश एंड द यूरोपियन एंड इस्टेब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। अब जैसे ही उसको 1897 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिलीज़ कर दिया तो वो वापस अपने विलेज जो थे वहाँ पर गया और उसका जो स्लोगन था वो इस तरह का था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको हमें क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, ख़त्म कर देना है और हमें एक अच्छे नेतृत्व में काम करना है और वो नेतृत्व किसका होगा, तो वो नेतृत्व होगा बिरसा मुंडा का। उसके आगे हम देख लेते हैं, इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलेरिया एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। अब 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की डेथ हो गई कोलेरिया जो बीमारी होती है उसकी वजह से और जो उनका जो मूवमेंट था वो पूरा तरीके से रुक गया। तो यह था हमारा चैप्टर नंबर 4। इसमें हमने देखा कि जो ट्राइबल पीपल थे या दिक्कुज जो थे या बिरसा मुंडा जो थे वो किस तरह से काम करते थे या गोल्डन एज जो थी वो क्या थी। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।